सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक महला तीजा सत गुर की परतीत ना आईया शब्द ना लागो पाओ उसनो सुख ना उपजे पावे सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिव लाओ सत गुर की परतीत ना आईया शब्द ना लागो पाओ उसनो सुख ना उपजे पावे सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिव लाओ महला तीजा ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो जित सेवै जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल न होई हौं मैं शब्द जलाए कूड़ा की पाल विचों निकले सच वसे मन आए अंतर शांत मन सुख होए सच संजम कार कमाए नानक पूरा कर्म सतगुर मिले हार जियो कृपा करे रजाए पौड़ी जिसके घर दीवान हर होवे तिस की मुट्ठी विच जगत सब आया तिस को तल की किसे दी नाही हर दीवान सब आन पैरी पाया मानसा किहो दीवान हो
कोई नास भज निकले हर दीवान हो कोई किथे जाया सो ऐसा हर दीवान वसिया भगता के हिरदय तिन रहंदे खुंदे आन सब भगता अगे खलवाया हर नाम की वड्याई कर्म प्राप्त होवे गुरमुख वेर लैके न त्याया सो ऐसा हर दीवान वसिया भगता के हिरदय तिन रहंदे खुंदे आन सब भगता अगे खलवाया हर नाम की वड्याई कर्म प्राप्त होवे गुरमुख वेर लैके न त्याया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो पाओ ओसनो सुख ना उपजै भावें सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिव लाओ राग वडहंस की वार की पौड़ी चौदवी श्लोकां नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा फरमान तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी का है। श्लोक महला तीजा। जिस मनुख नूं सतगुर दे भरोसा नहीं बनिया ते सतगुर दे शब्द विच जिसका प्यार नहीं लगा उसनू कदे सुख नहीं भावें गुरु पासों सौ वारी आवे जाए। हे नानक जी जे गुरु दे सन्मुख हो गए सच्चे विच लिव जोड़िए ता प्रभु सहजे ही मिल पैंदा है। हे मेरे मन एहो जिहा सतगुर खोज के लब जिस दी सेवा कीत्या तेरा सारी उम्र दा दुख दूर हो जाए कदे उखा ही चिंता ना होवे ते उस सतगुर दे शब्द नाल तेरी होमे सड़ जाए तेरे अंदरों कूड़ दी कंध दूर हो जाए ते मन विच सच्चा हरी आवसे। अते हे मन उस सतगुर दे दसे हुए संजम विच सच्ची कार करके तेरे अंदर शांति ते सुख हो जाए। हे नानक जी जदों हरी अपनी रजा विच मेहर करता है तदों एहो जिहा सतगुर पूरी बख्शिश नाल ही मिलता है। जिस मनुख दे हिरदे विच सब दा हाकम प्रभु वसदा होवे सारा संसार उसदे वस विच आ जांदा है उसनू किसे दी कान नहीं हुंदी सगों परमात्मा हाकम ने सारियां नू लिया के उसदी चरनी पाया हुंदा है।
मनुख की कचहरी विचों तो मनुख नस भज के भी किते खिसक सकता है, पर रब की हुकूमत तो भज के कोई किथे जा सकता है। इहो जिहा हाकम हरी भगतां दे हिरदे विच वसिया होया है। उसने रेंदे कुंदे सारे जीवां नूं लिया के भगत जना दे अगे खड़े कर दिता है, भाव चरनी लिया पाया है। प्रभु की खास मेहर नाल ही प्रभु दे नाम की वड्याई करन दा गुण प्राप्त हुंदा है। सतगुर दे सन्मुख होके कोई विरला ही नाम सिमरदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।